कलिए कटे और झूले पड़ पड़ के अब कर रहा भै भै हड्डी तो नहीं टूट गई कहीं अरे मजाक कर रहा मुझे मारनी है मदर एक गिलास पानी का लिया मैंने मजाक कर रहा था तेरी दाद खड़ा हो जा खुद जाके पी ले परेशान कर रखी आ लिया काम को मिलानी कुछ अगर यूं ठल्ली फिरता रहा ना हम तो भूखे मर जाएंगे अरे काम क्या करूं पहले तीन मुकदमे हो रहे तू चौथा भी करवाएगी का काम क्या करूं तुझे पता नहीं है तू क्या काम करे ए मतलब भूल गा तू ही बता दे क्या काम करूं वही काम शुरू कर दे पुराने वाला चोरी वाला चोरी वाला हाँ देख बात सुन ले जो भी काम करूँ ना मैं दिल तक करूँ और ईमानदारी के साथ करूँ अच्छा हो या बुरा काम तो मैं चोरी का करूँगा लेकिन इनको अकेला नहीं जाने का इनको तुझे साथ चलना पड़ेगा तू टेंशन क्यों ले रहा बता कहाँ जाना मैं तो तेरे साथ ही चलूंगी हाँ तो बस ठीक है अगर तू मेरे साथ रही ना तो मुझे तो चोरी करने में आसानी हो जाएगी हाँ तो चल फिर चल हे रम्मी केल्ला केल्ला कहाँ रहा है मदद लेके चलो हैं तुझे लेके चलो तू क्या करेगा भाई मैं चोरी करूँगा चोरी हाँ वाकई में ये बहुत खतरनाक जेब ना नू काट ले इसे भी साथ ले जा भाग का आ लिया पैंट दिए हाँ अरे काम तो कर ले वो अटैची तो ठा लेने कपड़ों उधर का सारे जेब काटने को जाते अटैची में रखे और गेट के बाहर मिल हाँ भाई ना आज जो है ना खाली कर देनी जेब पा अरे दरोगा साहब सारा इतिहास आज ही लिखा गया क्या हमारे पर भी ध्यान दे ले थोड़ा बहुत अरे पारो तेरे पर क्या ध्यान दे लो तेरे पर तो पूरा मोहल्ला ध्यान दे रहा अरे इंस्पेक्टर पता मुझे तू कहाँ बोल रहा हर जुबान को लगाम दे ले नहीं तो वर्जी सर्जी यही उतरवा दूंगी तेरी अरे ये बता समाधान हो जाएगा या नहीं नमस्कार ट्रैक्टर साहब अरे कली कटे ट्रैक्टर साहब नहीं इंस्पेक्टर साहब है इंस्पेक्टर साहब क्या बात है इंस्पेक्टर साहब माल बहुत जोर का बिठा रखा टोप माल अरे मेरे यार इसकी से कल्पना जाओ इसके बाल तो देख अगर जो माल की मक्खी घुस गई ना तो 6 महीने तक बाल नहीं करने की अरे क्या फुसर फुसर कर रहा कान में खुल का बताना जो बताना बताना क्या ताऊ जी ये कह रहे की मैंने जो ने इसे कहीं देखी पर ताऊ जी का याद नहीं आ रहा कहाँ देखी अब आ जागा यार भूल गया रामपुर चुंगी पर तूने मुझे छेड़ी थी हर मैंने तेरे पर खड़ा जूता बजाया था याद क्यों नहीं आवागा जूता बजा हुआ था तेरे सिर में मेरा थाना मुंशीवाद में बात करने की जरूरत नहीं है काम बता क्या इंस्पेक्टर साहब चारों तरफ चोरिया चोरिया हो रही तारे पर जो है 3 चोर नहीं पकड़े जा रहे हाँ हाँ इस पर 3 चोर नहीं पकड़े जा रहे इंस्पेक्टर साहब अगर वे 3 चोर ना पकड़े गए ना तो तुम्हारा ट्रांसफर करवा देंगे हाँ हाँ ट्रांसफर करवा देंगे हाँ ट्रांसफर करवा देंगे सर ट्रांसफर की बात ना करो नहीं तो तीनों की थाल तार को जो है ना खूंटे पटांग आदमी सुखाने का वास्ता अरे रही उन 3 चोरों की बात उन 3 चोरों को मैं जरूर ढूंढूंगा ये भी मेरे पास टाइम नहीं है इंस्पेक्टर साहब हमारे पड़ोसी की रात लुगाई चोरी होगी अरे टेंशन क्यों ले रहा लुगाई चोरी होगी तो सिलेक्टर का ठाका हाय हाय अरे तुम कानून का अपना हाथ मत लो 2 दिन के अंदर चोरों को थारे कदमों में गिर दूंगा ला का अरे तुम जाओ हाँ हाँ ठीक है लाए पड़ा बन 3 चोरों ने मेरा दिमाग खराब करके घेर दिया अगर वे 3 चोर ना पकड़ गए ना या तो गांव वाले मेरा गुत बजावेंगे यहाँ से नहीं तो मेरा ट्रांसफर करवा देंगे बस हवलदार को पूछ लो आज अरे तू रुक जा सबर कर ले ही तो बैठेगा ही तक गई अरे एक बात बता रहा मैं चोरी करने तो मैं ले जा ही रहा लेकिन चोरी कर तो डरना नहीं ठीक है
क्योंकि आज तक मैंने जिंदगी में 10 चोरी करी और सिर्फ 9 में पकड़ा गया। ना मेरा मतलब 9-1 में पकड़ा गया, 9 में बचा। अच्छा। हाँ, अब चोरी जो है ना लोकल में नहीं करनी, यहाँ तो भूखे नंगे चोरी करनी, देहरादून मोटा मुर्गा मारना। पर देहरादून जाएंगे कैसे? अरे बस आवेगी, बस में बैठ कर चलेंगे। अरे एक काम करिए, अगर कोई तगड़ा मुर्गा फंसा ना तो जेब कतर दियोगा इंची तो तू भी कतर दिए। आएंगा जाओगा, आ जाओ रुड़की 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 मंगलोर, आ जाओ लंडोरा लंडोरा, चोली साहब उद्दीनपुर शेरपुर महितपुर चुड़ियाला, आ जाओ चोली महितपुर। भाई बस नहीं दिखाई दे रही आज तो, बस क्या बन गया घोड़ा बुग्गी भी दिखाई दे रही। एक काम करो, इधर इतना में जल्ले बैठ गए। बस सब रहे तो 2030 तक पहुंचेगा देहरादून, और कम से कम 40 बार हैंग होगा देहरादून की चढ़ाइयों पर। जाएंगे बस में ही, हर पटक भी सको हो बस में जाएंगे, टेंशन न लो, आवेगी थोड़ी देर में आ जाएगी। अरे साहब बस में कोई तकड़ा मुर्गा फंस जाना, इसमें कहां मुर्गा फंस रहा है, मुक्के नंगी सवारी जा बिल्कुल, और बस में बढ़िया वाले पावर वाले आदमी जा। कंची कहाँ जेब में ही हिस्सा पेंट दिए, मौका देख तो ही। बस देखो आज भी सोरा कोई आता नहीं, ला तबाक कोई खाना पड़ेगा, पैसा था बहुत। भाई यार बस तो आई ही नहीं, लेकिन कोई मुर्गा भी नहीं फंसा सब रहा, इक्कर तो मामला खराब हो जाएगा। हाँ वाकई में एक काम कर, लेकिन जूम कर का देख, पैसे ही है कुछ और। पैसे ही? पैसे ही? हाँ तो फिर एक काम कर, लग जाओ काम पर, कान में सुनो ठीक है नहीं, और हम तुझे आगे मिल ले ठीक है, जा जल्दी जा। बाबा भाई ये तो काट ली थी पुड़िया, अब पैसे निकल गए। इवलिगड़ी देहरादून सारूपुर, आयो उस्ताद बहुत चोरा का माल आ रहा, तो पता ही रहते हैं तो। वो भाई अगर ये मेरे रिक्शा में आज बैठगी ना तो रिक्शे को कभी जिंदगी में ठोकर नहीं बनने का, केला ही लेकर चला जाऊंगा रिक्शे को। ओहो बहुत चोरा का पीस हो भाई साहब, ओहो मेरी तरफ ही आ रही था। हेलो, ओए हेलो। जी 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 मैडम, कहाँ जाओगे? अरे मैडम आपके दिल में, दिल में चला तो जाइए, लेकिन किराया एडवांस लूंगी। अरे मैडम मैं तो मजाक कर रहा, बताओ कहाँ जाके? आपके दिल में। मेरा दिल तो तंबाकू खा खा कर खराब होया पड़ा, इस मजाक क्या घंटा करेगी। अरे मैडम सच बताओ कहाँ जाके? रुड़की। हाँ तो बैठो बैठो बैठो, बात तो बहुत तगड़ा माल फंसा है। वैसे मैडम एक बात बताऊं? हाँ। आप बहुत खूबसूरत हो। आप भी बहुत स्मार्ट हो। अरे मैडम मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, मुझे देख देख को तो लड़कियां रुड़की की नहर में कूद दो। हाँ हाँ तुम आगे चलो।
नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। आज मसाला लगाकर कोई तड़कती बड़कती चाय बना दे। अजी बाबू जी, कौन से दूध की बनाऊं? अरे कहेगा कहे तो कुत्ते का दूध की बना दोगा। क्या तो दुनिया पियो उसकी बना को दे। बाबू जी बस 5 मिनट बैठो, मैं खुद लेके आ रहा। ठीक है, फटाफट बना, मड़ाई मार को। बिल्कुल बिल्कुल, बैठो तो सही। चलो भाई साहब। क्या बात, इतना टाइम तो बिरबल की खिचड़ी बनने में भी लगा था, जितना तुमने चाय लाने में लगा दिया। अरे साहब जी, स्पेशल चाय है वो, मलाई वाली। मलाई मारने में टाइम तो लगता ही है। चल चल, चाय दे। तुझे कल भी आवेगा नहीं, एक कर चाम उंगली डुबा का कौन दो चाय। अरे साहब जी, मेरी उंगली में दर्द रहो तो डॉक्टर ने सेकने को बोला। हाँ तो एक काम कर, अपने पिछवाड़े में गेर लो उंगली। अरे साहब जी, उंगली तो मैंने पिछवाड़े में ही दे रखी थी, जब तुमने चाय मंगवाई जीभ बाहर काटी। अरे जा चला जा चला, नहीं तो पिछवाड़े में गोलियां गोलियां भर तुम्हारी जिंदगी भर गोलियां जगता फिरेगा। सॉरी साहब जी, सॉरी। वैसे मैडम, बुरा ना मानने की बात कहूँ? हाँ कहो। मुझे अपना नंबर दे दो। तुम एक काम करो, मुझे ही उतार दो। ओके मैडम जी। कितने हुए? अरे मैडम, मेरे तो 13-14 बच्चे हो गए। अरे भैया, मैं बच्चे नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही पैसे कितने हो गए। अरे मैडम जी, हमारे उत्तराखंड के अंदर अनजान व्यक्ति को भैया कहने पर जाना 20 रुपए की GST लगो। वैसे तो तुम्हारे पास 40 रुपए हो गए, और 20 रुपए की GST लगाकर 60 रुपए बनने। जल्दी करो। ठीक है देरी। अरे मैडम जी, 2 मिनट रुको, हिला रहा, पकड़ को। और रुको रुको, पागल कहेगा, रिक्शा लेके चले जाता, दौड़ के जा रहा। घोबरा पहाड़ देगा, पत्थर मार दो, रुक जा। वो भाई रुक तो जाएगी, मेरे बात तो बता, क्या बात है? मैं करवाऊंगा थर पर चोरी। ज्यादा ना खंड, सुन ले पहले मेरी बात। मगा मरे पिस्टन भी आयो रे मां, पता नहीं यहाँ थानी बढ़िया बात थोड़ी है यार। उसका गरीब का गड़ा में तुम हार लिया तार को, वह तो बिचारी बहुत रो रही वहां से। बस का बिचारे का गले का हार वापस कर दो, नहीं तो उसका तो बुरा हाल हो जाएगा यार। भाई देख, बात सुन ले, हम चोर, अगर तुझे ज्यादा रहम आ रहा तो पैसे दे, हड़ ले, हम जा रहा पैसा। हम तो वैसे भी सुनार की दुकान बेच के जाएगा। भाई यार, तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, एक बार दिखा दो तो क्या। यो देख क्या। ओहो, बस ये तो सोने का, ये तो लाख रुपए का होगा। एक काम कर लो, इनको तो सस्ते रेट में खरीद लो। उस्ताद बता इसके कितने रुपए देने। क्या रुपए देने, लगी नहीं समझ। भाई हम चाह रहे पूरे 10,000। 10,000? हाँ 10,000 दे। ओहो उस्ताद, ये तो 1,00,000 रुपए का बिकोगा, 90,000 रुपए बचेगा। बस दे रही है तू उसका हार वगैरह वापस कर देगा, नहीं देते नहीं, तू हमें ईमानदार आदमी लग रहा। हार के पैसे जो तू दे रहा, 10,000 रुपए की नत्थी पूरी। अच्छा हाँ, दोनों ऐसा करियो। बट ठीक है, चल भाई रे आ। वो छपरी नेसड़ी यहाँ को आ। क्या नाम हो तेरा? इंस्पेक्टर, आदमी अपने नाम से नहीं अपने काम से पहचाना जाता है। अच्छा, ऐसा क्या काम करो?
मर्डर 14 कर रखे और 7 साल की आज ही काट को आया। अरे भाई साहब 14 मर्डर मतलब तमस लिए बोला थारे बाल बहुत बेहतरीन लग रहे बिल्कुल एक नंबर। वैसे इंस्पेक्टर कौन से थाने में? मतलब ना हम इंस्पेक्टर है ना हम दरोगा है, हम तो बहरूफी है। मंडप में खाना चल रहा था, खाना देख को हम भी घुस गए। अच्छा तुम यही जो 10 रुपए मांगते फिरो? हाँ आपने सही बोला। मुझे पता तू क्या सोच रहा, मैंने इसके सामने झूठ क्यों बोल रहा? एरिया में नंबर एक बदमाश हो यो, गंजा भांग इसमें सारा नशा करो यो, हमें इनके मुंह थोड़ा ही लगना। हम तो उन्हें 3 बदमाश को पकड़ने, तू चाय पी और फिर 3 बदमाश को पकड़ने के लिए चले गए। एड्रेस तो यहीं का दिया था लेकिन है कहाँ? आएंगे देख, हम तो यहीं हैं। बहुत टाइम लगाया तूने तो आने में। कितने का बेचा हुआ यार? अरे 250 रुपए का हार ना तेरा, पूरा 11,000 में बेचा। 11,000? हाँ देखा दिमाग मेरा बिल्कुल टॉप काम करा। मैं भी कम नहीं हूँ। अरे तेरे मतलब दिमाग क्या खोपड़ा क्या खाली हो। मैंने तो उसका रिक्शा उठा लिया था। रिक्शा? हाँ कहाँ देख तो रहा नहीं, जेब जूब में मेल रखा होगा। वो तो मैंने भेज दिया। कितने का? पूरे 15,000 का। 15,000? हाँ। अच्छा जी 15,000? हाँ। 15×11=26, यानी कि 26,000 का चुना लगाया। उसके बाद अगला मिशन करेंगे, चल। एक मिनट रुक, तूने केले केले जूते भी खरीद लिए? अरे खरीद देगा एक जगह भंडारा और ऐसा काम होगा, जोड़ी मार ले इन अपना ठा लिया। चल और चप्पलों में कब तक फिरते थे, वीआईपी चोर बन गए हम। देखो बात सुन लो, एक नंबर का रेस्टोरेंट है यो। अच्छा? हाँ अरे मनु छक छक को खाई और फिर जो है ना तकड़ा सा हाथ मारना है कहीं। चलो इंस्पेक्टर साहब, इन 3 चोरों ने हमारा दिमाग खराब कर रखा। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा, तू चाय पी, चाय पी कर ढूंढन चल ले। पुलिस यार एटीएम भी क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ ना, इन्हें तो बहुत ही दिखा गू लूट लूँ। हाँ लूट लगा, ऐसा क्या करेगा तू? वह देर बंदूक, हाँ बंदूक रखी इधर तो आगे लम्मा ऐसा पास मेरे शेर। वाह भाई वाह, जल्दी से ठाक ला बस। इंस्पेक्टर साहब देखो क्या तगड़ा माल जा रहा। चोरों का माल जा रहा। मेरी बंदूक कहाँ गई? आएगा याद कौन लेगा? कौन लेगा? एक कबाड़ी लोहा चुकता फिर रहा था, अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बंदूक को लोहा समझ कर वो कट्टम गेर को लेगा। तो टेंशन क्यों ले रहा, गलियार तोड़ ले लेगा मैडम। चाय पी। देख इंस्पेक्टर तो नहीं आ रहा। ना आ रहा नहीं। वो पिस्टन तो हमने लूट ली है, कहाँ वा यानी? लेकिन इसका करेंगे क्या हम? करेंगे क्या? हाँ हाँ जी हाँ, बैंक। इस पिस्टन के बलबूते में इस बैंक लूटेंगे। चलो तू कहाँ जा रही? अरे जाकर मुर्गे में छौंका लगा ले तो हम दोनों कर देंगे काम। हाँ जल्दी जा, क्या मुंह देख रही? सुन ले मेरी बात, तो रही है पीछे मरूंगा अग, ठीक है? डरना नहीं ना, पिस्टन देवा। भैया कौन सी पिस्टन है? वह कहाँ गई जो लूटी थी उसकी इंस्पेक्टर की? खोगी खोगी जब का कर रहा है, लग रही है, लग रही लगा रखी हो। चल कोई नहीं, एक तो काम चलाओगे। चल डरिए ना, हाँ अगर ऐसी बात होगी ना तब भी पड़ेगी, तेरा भाई भाग लगा सबसे पहले। हाँ ठीक है।
मैनेजर बैठा रोटी भी कहाँ ठोक दू, पहले रोप दिखावे धमका कि आप तो वैसे कर दा काम। आ जा, आ जा। ओ जो भी है ना जल्दी फटाफट काट का यहाँ रख दे। यो क्या कर रहे तुम? हाँ जल्दी रख दे। कार्ड को क्या रख दू, मेरे में तो पहले ही खून की कमी। अरे मान जा भाई बंदी, वो अंडी हाथ एक पिस्तौल देख रहा, गोलियां तेज भर दूंगा मनु को रहा, लेट ली जाऊ गोलिया जगता फिर। जल्दी काट दे नहीं तो ठोक दो बाल। लो जी मेरे पास तो यही बोतल थी। ये कहाँ रखा तूने? वो मैं तो सुना था वाकई में बैंक वाले लोगों का खून चूसो, अगर उस खून को चूस को ना ये काउंटर पर रख दो। अजी हमें नहीं पता तुम कौन से बैंक की बात कर रहे, ये तो ब्लड बैंक है। और बाहर तो बैंक लिखवा रखा? अरे बाहर तो बैंक नो लिखवा रखा, हमारे पास खून की कमी और उस पढ़ को लोग अंदर आ जाए और हम उसका जबरदस्ती खून काट लें। और वो देख ब्लड बैंक लिखा हुआ है। ब्लड बैंक? हाँ वो देखो लिखा हुआ ब्लड बैंक। हेलो हाँ जी इंस्पेक्टर साहब। BLOOD क्या बनेगा भाई? ये तो पुलाव बनेगा। कभी पलोट कभी बलोक कभी पुलाव, गुंडा छापी कथाई यो ब्लड बनेगा ब्लड बैंक। अच्छा और यो सारा जो है ना तेरी वजह तो हुआ। मेरी वजह से वो होता है बस साले बैंक कह के तू ब्लड बैंक में लिया। अजय तुम गुस्सा ना करो, बराबर में एक बैंक है तुम उसे लूट लो। बराबर में? हाँ। अच्छा जी चल भाई चल। वैसे एक काम करो तुम हमारे साथ चलो। मैं क्या करूँ मैं थारे साथ जाकर? क्या करेगा? अरे तेरे में खून की कमी ना, जब हम बैंक लुटने जाके अगर किसी वजह से वहाँ गोलियां बजन लगी ना तो जो खून बहेगा ना उसे बोतल भर लाइए तू।